नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सड़क पर चलने के दौरान वैसे तो वाहन चालकों के लिए यातायात नियमों को लागू किया गया है, लेकिन कई बार इन नियमों का पालन करना लोग जरूरी नहीं समझते। वहीं यातायात व्यवस्था सुदृढ़ हो इसको लेकर नियमों को सख्त भी किया गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे नियम है जो आमतौर पर तो लागू है लेकिन आप उसका पालन नहीं करते हैं। इनमें से एक नियम है सड़कों पर चलने वाली कुछ गाड़ियों को किसी भी हाल में रास्ता देने का। ऐसा अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, इस ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर हो सकता है कि आपको जेल की सजा भी हो जाए। हालांकि कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको इन नियमों की कोई जानकारी होगी ही नहीं और वो अनजाने में ही सही लेकिन नियमों की अनदेखी कर देते होंगे, जो कि एक गंभीर मसला है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपको यातायात नियमों की सारी जानकारी मिलती रहे। ऐसे में आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ नियमों के बारे में जिसका उल्लंघन करने पर आपका 10,000 रुपए तक का चालान कटना तय है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये ऐसा कौन सा नियम है जिसका उल्लंघन करते ही 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये नियम आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने से संबंधित है। मौजूदा यातायात नियमों के अनुसार किसी भी मोटर वाहन चालक को आपातकालीन वाहनों को ओवरटेक करने के लिए रास्ता देना जरूरी है। यानी कि अब आने वाले समय में आपको कोई आपातकालीन वाहन दिखाई दे जो आपके पीछे है तो तुरंत उसे ओवरटेक करने का रास्ता जरूर दे, नहीं करने पर आपका चालान कट सकता है। इस नियम का उल्लंघन करने की भूल कर भी कोशिश ना करें, नहीं तो पकड़े जाने पर जुर्माना लगना तय है। इसी कड़ी में दमकल वाहन और एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना भी अनिवार्य है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर वाहन चालकों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संशोधित एमवी एक्ट की धारा 194E के तहत चालान काटा जा सकता है। इस धारा में सड़क पर फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को मुफ्त मार्ग नहीं देने पर जुर्माने के बारे में बताया गया है। ऐसे में अगर आप आने वाले समय में सड़कों पर चल रही वाहनों की कतार में खड़े हैं और आपके पीछे कोई भी दमकल वाहन या एम्बुलेंस है तो तुरंत ही उसे आगे जाने का रास्ता दे। ऐसा नहीं करना आपके लिए ही हानिकारक साबित हो सकता है। साथ ही आपके एक जिद के कारण एम्बुलेंस में फंसे व्यक्ति की जान पर बात आ सकती है। साथ ही दमकल गाड़ियां अगर फंस गई है तो कहीं पर कुछ और अनहोनी हो जाएगी। ऐसे में अब अगर आप भी सड़कों पर गाड़ी चलाने का काम करते हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें, साथ ही नियमों की अनदेखी करने की भूल ना करें। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।